देश भर में आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की होगी पूजा। भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा आज से होगी शुरू। पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की करेंगे शुरुआत। वाराणसी मंडल के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में आज से मिशन शक्ति अभियान की होगी शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। नवरात्र के पहले दिन से पुलिस चलाएगी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। प्रमुख व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। अहमदाबाद में आज से केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का रोड शो। बापू नगर के बीच निकाला जाएगा रोड शो। करीब 50,000 लोग तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में आईएमए ने देश भर में किया आंदोलन का ऐलान। जयपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम रहेंगे बंद। कोरोना के खिलाफ रूस ने बनाई दुनिया की पहली वैक्सीन। इंजेक्शन की जगह नाक के जरिए दी जाएगी वैक्सीन। धर्म संसद मामले में कालीचरण को मिली जमानत। महात्मा गांधी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जताई चिंता। कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो पैदा हो सकता है असंतोष। सीजीआई एनवी रमना बोले निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जुड़ाव के कारण पुलिस ने खोया लोगों का विश्वास। मास्क की अनिवार्यता खत्म किए जाने पर बड़ी एक्सपर्ट की चिंता। कहा कि अभी पाबंदी हटाने का सही समय नहीं है। बेंगलुरु में बोले राहुल गांधी कर्नाटक की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। भारत बायोटेक का फैसला धीमी की जाएगी। कोवैक्सीन टीके के उत्पादन की रफ्तार। कहा गुणवत्ता के सभी अभी समझौता नहीं। असम राज्य चुनाव आयोग ने बेउत्सव के चलते टाले गुवाहाटी नगर निगम चुनाव। 22 अप्रैल को होगी वोटिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने किया ऐलान। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की घोषणा। चीन सहित कई देशों के कर्ज तले दबा श्रीलंका। एनएसए के डिप्टी एनएसए दलित सिंह ने रूस के साथ व्यापार के खिलाफ भारत को दी चेतावनी। कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को भी भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। यूएसए के डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने जाहिर की नाराजगी। कहा कि दलित सिंह का बयान कूटनीति नहीं बल्कि जबरदस्ती की भाषा। रूस यूक्रेन जंग का 38वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी बमबारी लगातार जारी। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी फौज ने धमाकेदार हमले किए। G20 से रूस को बाहर करने के पक्ष में कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पुतिन के साथ अब टेबल पर बातचीत करना मुश्किल। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयार
इधरगन ने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों से करेंगे बात। यूक्रेन का रूस पर आरोप, चेर्निहिव के अस्पताल पर की रूस की भारी गोलाबारी, कई वार्ड पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के विज्ञान मंत्री ने का बयान, रूसी हमले के चलते सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट की जाएगी खार्किव यूनिवर्सिटी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा का बयान, पश्चिमी देश यूक्रेन पर नहीं डाल रहे किसी भी तरह का दबाव। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसर ने कहा कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के रेडिएशन की स्थिति सामान्य। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कालास का रूस पर बड़ा एक्शन, रूसी कंपनी येंडेक्स टैक्सी पर लगाया प्रतिबंध। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने चीन से अपील की, रूस यूक्रेन में जारी जंग में युद्ध रोकने में करे मदद। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कीव पर हमले के लिए चर्च का इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक। मारियोपोल की सिटी काउंसिल ने कहा कि रूसी तबाही के बाद मारियोपोल को फिर से खड़ा करने के लिए 100 अरब डॉलर की जरूरत। यूक्रेनी मीडिया का दावा, यूक्रेन के नियंत्रण में आया कीव का कई क्षेत्र। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी ने कहा कि रूस के तेल डिपो पर हुए हमले में हमारा हाथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का बड़ा फैसला, आपातकाल भंडार से और तेल जारी करते हुए सहमत। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने कहा कि रूस की भारी बमबारी के बीच मारियोपोल से नागरिकों की निकासी असंभव। रूस ने अपने विश्वविद्यालयों को दिया आदेश, अपने सभी YouTube कंटेंट को रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वीके वीडियो और वीडियो प्लेटफॉर्म पर करें स्थानांतरित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पर यूक्रेन का हमला दोनों देशों के बीच बातचीत को कमजोर कर सकता है। जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर चर्चा की, सुरक्षा गारंटी के महत्व पर की चर्चा। यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान 53 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त, UNESCO ने दी है जानकारी। यूक्रेन में तबाही पर यूरोपियन यूनियन का बयान, रूसी हमले में कई शहरों को दोबारा बनाने में करेंगे मदद। जेलेंस्की का बड़ा एक्शन, रूसी युद्ध समर्थकों की संपत्ति की जब्ती के लिए यूक्रेनी संसद में कानून पास। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के 86 युद्ध बंदियों को किया रिहा, 15 महिलाएं भी उसमें शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, कहा कि तेल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए भारत रूस से क्रूड खरीदना जारी रखेगा। निवेशकों के हित में सेबी ने लिया बड़ा फैसला, 1 जुलाई तक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लॉन्च पर लगाई रोक।
लगातार तीसरे हफ्ते घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 14 अरब डॉलर से ज्यादा की दर्ज की गई कमी। रसल की तूफानी पारी के आगे पंजाब ने टिके घुटने, कोलकाता ने 6 विकेट से जीता मैच। आईपीएल 2022 में कोलकाता की दूसरी जीत, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची। आईपीएल में आज रोमांच का डबल डोज, दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी भिड़ंत, तो शाम को गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। अभिषेक बच्चन ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, कहा कि किसी के मुंह से नहीं सुनी फिल्म की बुराई। ऋषिकेश में अमिताभ बच्चन ने की गंगा आरती, घाट किनारे दिखा बिग बी का दमदार अंदाज। करीना कपूर ने पति सैफ को दी चेतावनी, बोले कि 4 बच्चों के बाद अब फिर से पिता बनने की सोचना भी मत। कॉमेडियन भारती सिंह ने बेटे के जन्म की खबरों को किया खंडन, कहा कि यह महज सिर्फ एक अफवाह और कुछ भी नहीं।